हेलो एवरीवन दिस इज़ प्राची और आज हम पढ़ेंगे विल्सन डिजीज के बारे में सो विल्सन डिजीज इज़ एन ऑटोजोमर रेसिसिव डिसऑर्डर जिसमें कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है टिश्यूज़ में मेनली लीवर ब्रेन एंड आइज ओके इसे हम हैपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन भी कहते हैं हैंपेटोलेंटिकुलर इसलिए क्योंकि जो कॉपर है वह डिपोजिट हो रहा है लीवर में हैपेटो लेंटिकुलर मतलब लेंस ऑफ आइस में कॉपर का डिपोजिशन दि, हो रहा है और ये क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है ए टी पी सेवन बी जीन में ए टी पी सेवन बी जीन में, में म्यूटेशन होने के कारण विल्सनस डिजीज़ होती है विल्सन्स डिजीज मतलब कॉपर इज डिपॉजिटेड इन टिश्यूज लाइक लीवर ब्रेन एंड आइस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन नेक्स्ट हम कॉपर का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं नॉर्मली डेली कंजप्शन ऑफ कॉपर कितना रहता है वन टू टू मिलीग्राम पर डे जो कि हमें पोटैटो वीट इन सब चीज़ से हम कंज्यूम करते हैं कॉपर कितना रहता है वो वन टू टू मिलीग्राम पर डे लेकिन हमारी बॉडी को कितनी नीड रहती है ऑनली पॉइंट सेवन मिलीग्राम्स ओके सो दॉपर इज बीन एक्सक्रीटेड हाउ इट इज एक्सक्रीटेड इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल बाइल के थ्रू जो एक्सेस कॉपर रहता है वो एक्सक्रीट हो जाता है नॉर्मली नाइन्टी परसेंट फीकल कॉपर एंड टेन परसेंट थ्रू यूरिन ये हमने नॉर्मल मेटाबोलिज्म की बात करी कॉपर के जिसमें कॉपर इज एक्सक्रीटेड कॉपर एक्सक्रीट हो जाता है लेकिन विल्सन्स डिजीज में क्या होता है बट विल्सन्स डिजीज में क्या होता है जो हमारा एक्सेस कॉपर है जिसे एक्सक्रीट होना चाहिए था वो एक्सक्रीट नहीं होता है इन विल्सेंस डिजीज द कॉपर इज नॉट एक्सक्रीटेड तो ये क्या हो जाएगा डिपोजिट हो जाएगा विल्स डिजीज में एक्सक्रीट नहीं होगा डिपोजिट हो जाएगा कॉपर कहाँ पर लीवर में ब्रेन में और आइज में हमने पढ़ा था कि बाइल के थ्रू कॉपर का पूरा एक्सक्रीशन हो रहा था अब ये एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो जो डायट्री कॉपर हमने जो कंज्यूम किया था डाइट में जो कॉपर हमने खाया था वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाता है पोर्टल वेन में पोर्टल वेन के थ्रू वो लीवर में जाता है ठीक है लीवर में जो हमारी हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है उसमें पूरी एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस चलती है तो ये जो कॉपर है ये इसके मॉलिक्यूल्स ठीक है तो एक जीन होता है ए टी पी सेवन बी जीन ठीक है ए टी पी सेवन बी जीन जो कि इंकोड करता है एक प्रोटीन को एपोसेरुलो प्रोटीन तो ये जो प्रोटीन है वो बाइंड करता है कॉपर के मॉलिक्यूल के साथ और एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर इसके थ्रू होता है तो फिर ए टी पी सेवन बी जीन जो कि थर्टीन नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर प्रेजेंट रहता है वो एक इंकोड करता है प्रोटीन को जिसको हम कहते हैं सैरुलो प्लाजमीन और ये एक प्रोटीन छः मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर को बाइंड करता है और एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस होती है तो मेन फंक्शन ऑफ ए टी पी सेवन बी जीन के दो फंक्शन होते हैं एक तो बाइंड कॉपर टू एपो सैरुलो प्लाजमीन जो हमने देखा और सेकेंड क्या है कॉपर के वेसाइकल फॉर्म करना फॉर्मेशन ऑफ कॉपर वेसाइकल्स ठीक है तो कॉपर के ये वेसाइकल्स बनते हैं और फिर ये एक्सक्रीट हो जाते हैं हैपिटोसाइट्स के बाहर जाते हैं थ्रो प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस बाइल में मिक्स होते हैं और फिर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं फीकल और यूरिन के थ्रू कॉपर हमारा नॉर्मली एक्सक्रीट आउट हो जाता है विल्सेंस डिजीज में क्या होता है जो जीन है हमारे एटी पी सेवन बी जीन इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो इसके डिफेक्ट में के होने के कारण प्रोटीन नहीं बनता है जो प्रो जो कॉपर कैरिंग प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है और कॉपर जो है वो बिल्डअप हो जाता है मतलब जो हैपेटोसाइड्स से उसमें पूरा कॉपर कॉपर सब आ जाएगा और ना ही वैसाइकल का फॉर्मेशन होगा तो ये जो कॉपर है इसका फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं कॉपर्स की क्या बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स अब ये जो फ्री रेडिकल्स है ये डैमेज करेंगे हेपेटोसाइट्स को हेपेटोसाइट्स की जो मेम्ब्रेन है इसे कॉपर के जो फ्री रेडिकल्स है वो डैमेज करेंगे बहुत सारे कॉपर बिल्डअप हो गए अब हैपेटोसाइट्स में तो ये हेपेटोसाइट्स हमारी डैमेज हो जाएगी और जो कॉपर है वो इंटस्ट्यूशल स्पेस में आ जाएगा ठीक है इन विल्सेंस डिजीज वेन देयर इज नो ए टी पी सेवन बी जीन और वैन देर इज डिफेक्ट इन ए टी पी सेवन जीन एंड दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजम नंबर थर्टीन ये इंटरस्टिशियल सेल में आ गया फिर उसमें इसके बाद वो कहा जाएगा ब्लड में ठीक है ब्लड में कॉपर आ जाएगा अब ब्लड में आ गया तो कहीं पर भी जा सकता है तो अब इसके हम साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कॉपर कहाँ कहाँ डिपोजिट हो रहा है विल्सन डिजीज में लीवर में ब्रेन में और आइज़ में लीवर में तो हमने देखा था कि जो कॉपर है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है बाहर नहीं जा रहा है वेसाइकल फॉर्मेशन के थ्रू एक्जोसाइटोसिस नहीं हो रहा है तो पूरे हेपेटोसाइट्स में क्या कॉपर ही कॉपर हो गया है तो जो लीवर है वो डैमेज हो रहा है तो अब इसके मैनिफेस्टेशन क्या हो गए लीवर में लीवर डिजीज़ क्या क्या आएगी Defect in ATP टी पी सेवन it happens in Wilson's disease. So what happens is copper इस कॉपर जो है बिल्डअप हो गया हैपिथोसाइट्स में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ कॉपर का उन्होंने डैमेज करी हैपिथोसाइट्स की मैम्रेन को कॉपर इंटरस्टिशल स्पेस में आए और कहाँ पे चले गए ब्लड में ठीक है ब्लड में जाने के बाद अब जो जो ऑर्गन्स पे वो जाएंगे वह उसके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे विल्सेंस डिजीज में कॉपर कहाँ कहाँ डिपोजिट हो रहा है लीवर में ब्रेन में और कॉर्नियर लेंसेस में लेंसेस ऑफ आइज तो लीवर में क्या हो रहा है एक्यूट हैपेटाइटिस हो सकती है क्रोनिक हेपेटाइटिस सीरोसिस हिमोलाइसिस एंड देन रिनल ट्यूबुलोपैथी जब कॉपर ब्लड के अंदर चले जाता है तो मैसी हिमोलाइसिस हो जाता है हिमोलाइसिस के कारण क्या होगा रिनल ट्यूबुलोपैथी अगर कॉपर ब्रेन में चले गया मेनली इन बेसल पार्ट्स बेसल पार्ट ऑफ ब्रेन बेसल गेंगल सॉरी इन बेसल गेंगलिया तो मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है जिसके कारण परकेजम हो जाता है अगर कॉपर साइडवर कॉर्टेक्स में डिपॉजिट हो जाता है तो लॉसेस लॉस ऑफ मेमोरी और एक बहुत ही ज्यादा डायग्नोस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है बिल्स डिजीज का जिसे हम कहते हैं केजर फ्लिशर रिंग्स इसमें क्या होता है ग्रीन और ब्राउन रिंग अराउंड दल लेंसेस तो इसमें ग्रीन और ब्राउन कलर की रिंग आइज में हमें सामने से नेकेड आई से विजिबल होती है तो ये क्या है डायग्नोस्टिक साइन है विल्सेंस डिजीज़ का नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा लो सीरम सेरूलो ठीक है सैरुलो प्लाजमिन बन ही नहीं रहा है क्योंकि ए टी पी सेवन बी जीन जो इसको इंकोड करती है प्रोटीन को उसमें डिफेक्ट है विल्सेंस डिजीज़ में तो सीरम सेरूलो प्लाजमिन लो मिलेगा हमें विल्सेंस डिजीज़ में एंड हाई कॉपर कंटेंट कॉपर कंसेंट्रेशन सीरम कॉपर कंसनट्रेशन हमें ज्यादा मिलेगा ग्रेटर देन पॉइंट सिक्स माइक्रोमोल पर ट्वेंटी फोर आवर्स नेक्स्ट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम द कॉपर बाइंडिंग एजेंट पेनीसिलेन माइन हम देंगे इट इज ए कॉपर बाइंडिंग एजेंट पेनीसिलेन माइन देंगे इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस नेक्स्ट हमें से जिंक टेबलेट्स देंगे जिंक देंगे फिफ्टी मिलीग्राम थ्री टाइम्स अ डे और एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस अगर बहुत ज़्यादा लीवर फेलियर हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा लीवर ट्रांसप्लांटेशन सो दिस इज़ ऑल अबाउट विल्सन्स डिजीज थैंक यू फॉर वॉचिंग